हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं आज आपके बीच टाइगर बॉय एंड ह्यूमन गर्ल की इस लव स्टोरी के सेकंड पार्ट के साथ। बट इससे पहले अगर आपने अब तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट आप उसे ज़रूर देख लें। इससे आपको ये स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको ये स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में के लॉन्ग परी से मिलने के लिए पहुंचती है और ख़ुद को डॉक्टर सैम की गर्लफ्रेंड बताती हुई इंट्रोड्यूस करती है। यहाँ मसला ये था कि के लॉन्ग अपने टाइगर हीरो बॉय सैम को पसंद करती थी बट उसके साइड से इसके लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी। लेकिन फिर भी ये तो उसे पसंद करती थी ना, इसीलिए परी को पहले ही हड़का देती है कि देख लो बहन वो मेरा बंदा है सो उससे तुम दूर ही रहना। पर बेचारी के लॉन्ग उसका बैड लक, उसका भंडा फूटते ज़्यादा देर नहीं लगता। आंटी ओंग आकर उसका सारा बना बनाया प्लान चौपट कर देती हैं एंड फिर उसका कान खींचती हुई कहती हैं तुम्हारी ये बचपना कब जाएगी, खुद को डॉक्टर सैम की गर्लफ्रेंड बताना बंद करो, तुम जानती हो ना तुम दोनों के बीच ऐसा कोई सीन नहीं है। के लॉन्ग कहती है नहीं है तो क्या हुआ, अभी नहीं है ना, पर आप देखना मैं जल्द ही उसकी गर्लफ्रेंड बनकर दिखाऊंगी। इधर परी उसे कुछ चाहिए था और उसके अगल बगल कोई था ही नहीं तो ये क्या करती है कि सैम के घर का टूर करना स्टार्ट कर देती है। उसका घर बहुत बड़ा था और परी उसके घर का चक्कर लगा रही थी जहाँ उसे टाइगर की एक इमेज दिखाई देती है। परी सोचती है कितना डिफरेंट वॉल डेकोर है ना, बट बहुत क्यूट है। एंड फिर ये उस सस्पिशियस रूम के अंदर भी चली आती है जहाँ उसे काफ़ी कुछ बिल्कुल अजीब अजीब सा दिखाई देता है। एंड फिर और ज़्यादा अंदर आने पर परी देखती है कि वहाँ से सीधे जंगल का रास्ता था जो बहुत विशाल और काफ़ी डेंस लग रहा था। तभी अचानक से वहाँ सैम आ जाता है और परी को यूँ देख कर वहाँ से खींचता हुआ अंदर लेकर आता है। देन फिर उस पर बहुत काफ़ी गुस्सा भी करने लग जाता है कि तुम अकेली इधर उधर कहाँ भटक रही थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इतना चिल्लम चिल्ली सुनकर आंटी ओंग वहाँ पर आती हैं जो फिर परी को अपने साथ लेकर चली आती हैं। वहीं सैम तो अभी तक काफ़ी गुस्से में ही दिख रहा था। इधर आंटी ओंग परी से कहती हैं कि तुम जब तक यहाँ पर हो तब तक यहाँ से कहीं भी नहीं हिलोगी और ये तुम्हें मेरी वार्निंग है। परी कहती है वैसे भी अब मैं ठीक हो गई हूँ तो कल यहाँ से चली ही जाऊँगी। बाद में फिर ये खुद में ही सोचती है कि ऐसा कुछ तो वियर्ड हुआ भी नहीं था और मैंने भी कुछ गलत नहीं किया था, देन फिर डॉक्टर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गए थे। वहीं सैम तो अभी तक गुस्से में ही था। इसके बाद सैम उसी प्लेस को जहाँ अभी कुछ टाइम पहले परी थी तो उस प्लेस को देखकर अपना एक काफ़ी बुरा अतीत याद करता है। एक्चुअली यहाँ से जंगल का डायरेक्ट रास्ता था जहाँ से सैम अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आया जाया करता था और एक दिन ऐसे ही उसकी गर्लफ्रेंड कैनिंग वहाँ से एक टाइगर को आता देखती है जो कि बाद में एक खून से लथपथ इंसान बन जाता है जो देखने में बहुत काफ़ी डरावना लग रहा था। कैनिंग को बिलीव ही नहीं होता कि वो उसी का बॉयफ्रेंड सैम है जो कि एक्चुअल में तो एक टाइगर है। कैने उसे यूँ इस तरह से देखकर बहुत काफ़ी डर जाती है। देन सैम उसे समझाने की कोशिश भी करता है पर कैनिंग वो कुछ ज़्यादा ही डर गई थी, उसकी एक भी बात सुनकर आ रही थी। देन फिर बाय मिस्टेक कैनिंग का पैर स्लिप कर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है जिससे सैम काफ़ी हर्ट हुआ था। आज भी उस सीन को याद करके परेशान हो जाता है। सैम कहता है सिर्फ मेरी वजह से ही कैनिंग के साथ वो दुर्घटना घटी थी। इस पर आंटी ओंग उसे समझाते हुए कहती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, किसी को भी नहीं पता था कि कैनिंग तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन देखकर इतना काफ़ी डर जाएगी। सैम कहता है मैं टाइगर से इंसान में बदलने के बाद इतना बुरा
और डरावना दिखता हूँ कि कोई भी नॉर्मल इंसान मुझे इस तरह से देखकर डर ही जाएगा एंड वो मेरे साथ रहना भी नहीं चाहेगा। इसीलिए तो मैं अकेला रहना ही डिजर्व करता हूँ। आंटी ओंग को उसे इतना सैड देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर ये बेचारी कर भी क्या सकती थी, एकदम से हेल्पलेस थी। नेक्स्ट मॉर्निंग परी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले ये एक बार सैम से मिलना चाहती थी, क्योंकि इसने कल रात उसे काफ़ी गुस्सा कर दिया था ना इसीलिए। बट आंटी ओंग नहीं चाहती थी कि किसी वजह से ये दोनों, कि सैम और परी, तो ये लोग क्लोज आए, जिससे कि फिर बाद में तकलीफ उन्हें ही होती। इसीलिए एक्सक्यूज कर देती हैं कि सैम वो तो घर पर है ही नहीं। इधर एक जंगली जानवर जख्मी हो गया था, जिसे ये लोग सबसे छुप छुपा कर ट्रीटमेंट दे रहे थे, क्योंकि यही तो इन लोगों का काम था, जंगल में जानवरों के बीच रहना और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े उनकी हेल्प करना। बट देखा जाए तो ये एक तरह से इलीगल भी था, बिना किसी अथॉरिटी के उन्हें इस तरह से छुपा कर रखना, पर इन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन ऑफिसर सैक को चीफ के साइड से ये न्यूज़ मिल जाती है और वो इंक्वायरी के लिए इनके अड्डे पर पहुंच जाते हैं। ये सभी बात करके उन्हें फुल कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, हमने तो कहीं पर भी किसी जानवर को छुपा कर नहीं रखा हुआ है। पर ऑफिसर वो तो अपने ड्यूटी के बहुत पक्के थे, एनी हाउ इन्हें तो इन्वेस्टिगेट करना ही था। सो कहते हैं, अगर आप लोग इतने ही श्योर हो तो मुझे एक बारी तलाशी ले लेने दो, जब कोई गड़बड़ी ही नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या हो सकती है, आप भी खुश और मैं भी खुश। देन इनकी छानबीन स्टार्ट होती है, पर इन्हें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा सस्पिशियस नहीं मिलता है, क्योंकि इन लोगों ने तो उस जानवर को पहले ही एक सेफ प्लेस पर छुपा कर रख दिया था। फिर वहाँ एंड टाइम पर सैम आकर इन सभी लोगों का ध्यान भी भटका देता है। वेल, आगे केलोंग परी को वहाँ से पिक करने के लिए आती है, जहाँ सभी लोग साथ माउंटेन पर एक विलेज में रहते थे, तो वहीं सैम सबसे दूर किसी सुनसान जगह पर रहता था, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास ऐसा करने के उसके खुद के अपने रीजंस जो थे। रास्ते में केलोंग रुककर परी से क्लियर करती है कि देखो, ये बात सच है कि मैं अब तक डॉक्टर सैम की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बट हाँ, बहुत जल्दी हो जाऊँगी, मैं ट्राई कर रही हूँ। तभी गलती से, या कहो कि फ्लो में, केलोंग के मुंह से निकल जाता है कि डॉक्टर सैम की पहले एक गर्लफ्रेंड थी, जिसके डेथ के बाद वो कभी किसी लड़की को आंख उठाकर देखते ही नहीं है, इसीलिए मेरे लिए कर पाना थोड़ा हार्ड हो रहा है। ये जानकर परी क्यूरियस दिखने लग जाती है, लाइक उनकी गर्लफ्रेंड मर गई, पर कैसे, क्या हुआ था उसे? लेकिन केलोंग उसे कुछ बताने वाली कहाँ थी। इधर ये लोग उस जानवर को ठीक हो जाने के बाद ले आकर जंगल में छोड़ देते हैं और पीछे से उसे यूं देखकर सभी बहुत खुश भी लग रहे होते हैं। इसके बाद परी वहाँ के लोकल स्कूल पहुँचती है, जहाँ पर सभी टीचर्स एक ही साथ मौजूद थे। ये इस स्कूल के प्रिंसिपल प्रिंसिपल मोंग हैं, तो फिर प्रिंसिपल परी को बाकी के टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नॉन था वहाँ पर परी को देखकर बहुत खुश लग रहा था एंड ऐसा लग रहा था जैसे इसे परी काफ़ी पसंद आने लग गई हो। इसके बाद हमें हंटर प्राण को दिखाते हैं, जो जंगल में ही एक जगह पर बैठकर अपनी तपस्या में लीन था। उसने अपने ब्लैक मैजिक से अगेन एक खतरनाक हथियार तैयार कर लिया था, सेम वैसा ही हथियार जिससे इसने पिछले टाइगर किंग को मारा था। लेकिन इसके प्लानिंग के बीच अचानक इसका इनोसेंट सा बेटा आ जाता है और खामोखा बेचारे बच्चे की जान चली जाती है। यही रीजन था कि बदला लेने का इसमें एक अजीब ही तरह का जुनून सवार हो गया था। इन बिटवीन उसे किसी जानवर के आने की आहट सुनाई पड़ती है, जिसके बाद तो फिर ये शिकारी उसे अपना टारगेट ही बना लेता है। प्राण अच्छे से जानता था कि अगर कोई जंगली जानवर तकलीफ में होगा तो उसे बचाने के लिए उनका रखवाला टाइगर किंग जरूर आएगा। इधर ये सभी विलेजर्स भी गोली की आवाज़ सुनते हैं और इन्हें उन सभी जानवरों की फिक्र भी होने लग जाती है। मीनवाइल गुरुजी इन्हें आदेश देते हैं कि हमारा सेट तैयार किया जाए।
इसके बाद सब लोग अपने कबीले के इस पवित्र रिचुअल में लग जाते हैं। तभी रेड मून नाइट भी स्टार्ट हो जाता है और मून के रेड होते ही अपना हीरो बॉय एक नॉर्मल इंसान से खूंखार टाइगर बन जाता है और फिर काफ़ी ज़ोर से दहाड़ता है, जिसे बहुत दूर से सुनने के बाद भी सभी डर जाते हैं। वेलफेयर टाइगर और शिकारी प्राण का आमना सामना होता है। ये टाइगर इतना बड़ा और विशाल था कि उसे यूं इस तरह से अपने सामने में देखकर किसी की भी हालत खस्ती हो जाती। शुरुआत में तो ये शिकारी भी उससे बहुत डर रहा था, लेकिन जैसे ही टाइगर किंग उस पर अटैक करता है, उसे खुद बहुत तेज झटका लगता है, जिससे कि वो खुद ही जख्मी हो जाता है और फिर समय का दस्तूर देखता हुआ वहाँ से भाग निकलता है। इधर इस शिकारी को समझ आ जाता है कि टाइगर के साथ अभी जो कुछ भी हुआ वो उसके गले में पहने जादुई ताबीज़ की वजह से था। सो वो फुल कॉन्फिडेंस में आकर लाइक अब तो मुझे कुछ होगा ही नहीं, तो कॉन्फिडेंस में आकर टाइगर किंग को ही अपने साथ युद्ध के लिए ललकारने लग जाता है। मतलब कि भाई साहब, इसका भी क्या कॉन्फिडेंस था। अगर हम जैसे लोगों ने गलती से भी कोई टाइगर वाइगर देख लिया तो हम तो पहले अपने जान बचाने के पीछे ही पड़े रहेंगे कि भाई कैसे भी करके इससे तो बचो, बट इसका कॉन्फिडेंस, बाप रे, इसकी तो दाद देनी पड़ेगी। वहीं दूसरे साइड परी को भी टाइगर के जोर जोर से दहाड़ने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, लेकिन फिर उन्हीं में से एक टीचर उसे बताती है कि डोंट वरी, तुम्हें टाइगर किंग से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जंगल से बाहर माउंटेन्स पर कभी नहीं आता। हम यहाँ बहुत टाइम से रह रहे हैं पर अभी तक कभी नहीं सुना कि उसने किसी निर्दोष को हार्म किया हो। इधर ये लोग भी टाइगर के डर से ऊपर पेड़ पर जा बैठे थे। देन इतने बड़े टाइगर को वहाँ से गुजरता देखकर इनका तो हालत ही ख़राब हो जाता है। ऑफिसर सैक कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जेंट टाइगर देखा है, कितना बड़ा था ये। तभी वो नोटिस करते हैं कि कोई उस खतरनाक टाइगर को ही अपने साथ युद्ध के लिए ललकार रहा था, जिसका बाद में फिर ये लोग रास्ता रोक लेते हैं। शिकारी सोचता है, आज तुम्हारा दिन अच्छा था टाइगर जो बच गया, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। सच में यार, क्या गट से तुम्हारे अंदर, एक ताबीज़ के बुनियाद पर इतना उछल रहे हो। इधर सैम, उस बेचारे की तो हालत ही ख़राब हो गई थी, कुछ ज़्यादा ही चोट आई थी उसे और दर्द भी उतना ही ज़्यादा हो रहा था। एंड ये चोट ऐसी थी कि तंत्र मंत्र पढ़ने के बाद भी और खुद टाइगर किंग के सुपर पावरफुल होने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा था। देन आंटी ओंग के पूछने पर सैम उन्हें बताता है कि आज जिस शिकारी से उसका आमना सामना हुआ था, उसी से एक बहुत तेज रोशनी निकली जिसने मुझे झटके से काफ़ी दूर फेंक दिया, उसी का रिजल्ट है ये गहरी चोट। सैम दर्द में तो था ही पर परी के बेड की तरफ देखकर उसे बहुत मिस भी कर रहा था, क्योंकि अब तो वो यहाँ नहीं थी ना, इसीलिए। इधर बच्चे स्कूल आने लग गए थे और परी ने उन्हें पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया था, जिसमें नॉन था उसका साथ दे दिया करता था। रीजन बस यही था कि ये परी को पसंद करने लग गया था। वहीं बहुत कोशिश के बाद भी ये लोग सैम के उस जख्म को ज़्यादा ठीक नहीं कर पाते हैं, अभी भी उसे उतना ही ज़्यादा पेन और तकलीफ हो रहा था। दूसरे साइड ये शिकारी प्राण अपना जादुई गरुड़ा ताबीज चीफ को दिखाता है और उसे बताता है कि यही वो पावरफुल हथियार है जो मुझे टाइगर किंग पर विजयी बना सकता है। चीफ कहता है, अगर ऐसा है तो एक मुझे भी दे दो ना, पर शिकारी का कहना था कि अरे भाई छोड़ो, हटाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसे तो मैं ही मारूंगा, वो भी अकेले। इधर सैम आंटी ओंग के साथ मार्केट आया था, जहां वो अपने सब्जियों की शॉपिंग पर चली जाती हैं, तो फिर दूसरे साइड सैम अपने दवाइयों के शॉपिंग पर निकलता है। एक्चुअली ना, उसने काफ़ी सारी जड़ी बूटियां ऑर्डर करी थी और आज उन्हीं को ही रिसीव करने के लिए आया था। देन फिर वहाँ से रिटर्निंग में सैम को परी देख लेती है, क्योंकि वो भी वही परी थी। देन फिर परी सामने से आकर उससे बात करती है,
बेसिकली उसकी इतनी केयर करने के लिए वो थैंक यू बोल रही थी। सैम भी उससे मिलकर बहुत खुश था, लेकिन बात ये भी थी कि सैम उसे जानबूझकर अवॉइड करना चाह रहा था, जिससे कि फिर बाद में परी को कहीं उसकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। पर ये लड़की इसका तो बात ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इन्हीं सब के चक्कर में वो जस्ट स्लिप करने ही वाली होती है कि अपना हीरो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उसे संभाल लेता है। और फिर क्या था, दोनों यूं एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे में ही खो जाते हैं। और यहीं पर ही हमारा ये ब्यूटीफुल सा एपिसोड एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टिल देन बी हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय।